मोहिली के सबसे प्रतिष्ठित और 1953 से संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। हम बात कर रहे हैं ब्रुक्स हायर सेकेंडरी स्कूल की, जहां पर मेंटेनेंस के अभाव में बिल्डिंग जर्जर होने लगी है, तो वहीं छात्रों के लिए जरूरी सुविधाएं भी नहीं है, जिस पर पंचायत के प्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सिस्टम के हुक्मरानों पर जरूर सवाल खड़े कर देता है। 1953 से संचालित इस स्कूल से विधायक पुन्नीलाल मोहिले, पूर्व सांसद लखनलाल साहू जैसे कई दिग्गज नेताओं ने शिक्षा ग्रहण की है। इसके अलावा यहां के छात्र रहे कई होनहार प्रशासनिक पदों पर भी कार्यरत हैं, फिर भी किसी को स्कूल की दशा सुधारने की सुध नहीं है। इस ऐतिहासिक स्कूल में पढ़कर कई छात्रों की तकदीर बदल गई, मगर दुर्भाग्य देखिए कि इस स्कूल की तस्वीर आज तक नहीं बदल सकी है। इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार प्रशासन में बैठे अधिकारी और जो पूर्व में जो रहे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उनको भी माना जाएगा, क्योंकि इसी स्कूल में हमारे वर्तमान विधायक पूर्णलाल मोहले जो कि पूर्व में खाद्य मंत्री रहे उन्होंने पढ़ाई की है। पूर्व सांसद लखनलाल साहू जैसे बड़े नेता यहाँ इस स्कूल में पढ़कर निकले हुए हैं। इसके बाद भी यहाँ की व्यवस्था ज्यों का त्यों है, और खासकर शौचालय जैसी व्यवस्था, जब मुंगेली जिले को राज्य में प्रथम ODF का जिला दर्जा प्राप्त है, इसके बाद तो सवाल जरूर खड़ा हो जाता है। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली। रोहित कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या इसकी तस्वीर अब तक तो नहीं बदली, क्या अब बदलेगी? यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं या कौन कौन सी अव्यवस्थाएं हैं जिनसे जो यहाँ के छात्र छात्राओं को जूझना पड़ रहा है, और इस ऐतिहासिक स्कूल जो आपने जिक्र किया इसका कि कई सांसद और विधायक इससे निकले हैं, उसकी तस्वीर कभी बदलेगी या नहीं बदलेगी? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि ये 1953 से संचालित ब्रुक्स उच्चतर माध्यमिक स्कूल है, जिसमें क्षेत्र के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है, वर्तमान जो भाजपा के जो पुन्नूलाल मोहले जो विधायक है, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में, पूर्व में बीजेपी की सांसद लखनलाल साहू, पूर्व विधायक चोरदास खंडेकर जैसे तमाम दिग्गज नेता इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, वर्तमान में भी काबिज है, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधियों ने स्कूल की दशा पर सुधार के दिशा में कोई पहल नहीं की। इसके अलावा इस स्कूल में पढ़कर कई छात्र आज प्रशासनिक पदों पर भी है, कई सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं प्रशासनिक अधिकारियों ने, मतलब भी कहा जा सकता है कि इसके बावजूद भी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो चलन है हमारे देश में वो प्राइवेट की तरफ जा रहा है, सरकारी स्कूलों की तरफ ना प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही बच्चे पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कि इस जो कॉलेज है इसकी तस्वीर ये बनी हुई है, छात्रों को भी यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका।